हेलो एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आई क्यू आई एम एडवोकेट करिश्मा सिन्हा फ्रेंड्स आज हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर दैट इज सीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है डील करेंगे ये सारे एमसीक्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है आपके किसी ना किसी स्टेट जुडिशियरी में पूछे हुए हैं आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर की इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर जो है सी पी सी कब से इन फोर्स में आया था सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट जनवरी हंड्रेड नाइन ऑप्शन सी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन हंड्रेड नाइन सी पी सी एक जनवरी उन्नीस सौ उन्नीस से फोर्थ में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एवरी प्लेट फैक्ट शाल बी प्रूव बाई प्लेंट में जो फैक्ट्स रहते हैं उसे क्या, किस चीज के द्वारा जो है प्रूफ किया जाएगा एफिडेविट द्वारा एप्लीकेशन द्वारा सिग्नेचर द्वारा या फिर इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर विल बी ए एफिडेविट ऑर्डर नाइनटीन रूल वन जो है सी पी सी का कहता है दैट इन एवरी प्लेंट फैक्ट बी प्रूव बाई

कि अगर एक सूट जो है ड्यूली इंस्टीट्यूट किया गया है तो जो सामन इशू की जाती है डिफेंडेंट को ताकि वो अपीयर हो सके और जो भी अप्रेंटिव का क्लेम है उसे आंसर कर सके वो सामन की टाइम पीरियड वो इशू होने की टाइम पीरियड क्या है सो तो वो टाइम पीरियड जो है बियॉन्ड थर्टी डेज एक्सीड नहीं करना चाहिए सो द करेक्ट आंसर विल बी बी थर्टी डेज ये जो है सेक्शन ट्वेंटी सेवन रूल वन में बताया गया है दैट द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इशू ऑफ सामन क्या है वो थर्टी डेज है सेक्शन ट्वेंटी सेवन में प्रोविजंस रिलेटेड टू समन दिए हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स द डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जूडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल रेस जूडिकाटा का डॉक्ट्रीन किस रिट में नहीं एप्लीकेबल होता है तो the correct answer will be d habeas corpus habeas corpus के रिट में जो है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा से ही रिलेटेड है दैट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट्स ओनली टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ओनली टू As well as टा जो है वो एप्लीकेबल होता है टू सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करेक्ट आंसर विल बी डी टू सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज during service of summons defendant was found absent from his residence and within reasonable time no chance to get back at his residence service of summons may be made in क्या था समन सर्व करने के टाइम पे डिफेंडेंट जो है वो अपने घर पे मौजूद नहीं था वो और कोई चांस नहीं था विद इन रीजनेबल टाइम कि वो वापस आए तब उस केस में उसकी एबसेंस में समन किसे सर्व किया जाएगा ए ऑन सर्वेंट बी ऑन माइनर डॉटर सी ऑन अडल्ट सन या फिर डी ऑन मुनी। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी ऑन अडल्ट सन ये ऑर्डर फाइव रूल फिफ्टीन सीपीसी में बताया गया है

सेक्शन सॉरी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑन अडल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट अपॉइंटेड बाय एनी कोर्ट फॉर प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय द पार्टीज टू पार्टीजेन समन टू देम फॉर द अटेंडेंस इन कोर्ट शैल नॉट बी लेटर दैन लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है पार्टीज को विद इन किस टाइम पीरियड में जो है प्रेजेंट कर देना है कोर्ट को ताकि उन्हें समन कोर्ट द्वारा भेजा जा सके तो वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस की जो टाइम पीरियड है वो क्या होगी और आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15 डेज ये लिस्ट ऑफ़ विटनेसेस बाय द पार्टीज़ टू समन देम फॉर देर अटेंडेंस ये कोर्ट में फाइल करना है विद इन फिफ्टीन डेज ये ऑर्डर सिक्सटीन रूल वन में बताया गया

An इंटरप्लीडर सूट is वन where the रियल डिस्प्यूट is बिटवीन the टैश only. एक इंटरप्लीडर सूट में रियल डिस्प्यूट किसके बीच में होती है सो इंटरप्लीडर सूट में जो है रियल डिस्प्यूट डिफेंडेंट्स के बीच में होती है प्लेटि को उसमें सिर्फ अपनी एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी है उतना ही तक इंटरेस्ट होता है रियल डिस्प्यूट जो है राइट्स की बिटवीन द डिफेंडेंस होती है और इंटरप्लीडर सूट जो है सेक्शन एटी में डील किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ द कोड ऑब्जेक्शन एड जोरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट कैन बी रेज ऑन सेक्शन ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन जो है जो जोरिडिक्शन जो जो का वो कहाँ रेज किया जा सकता है ट्रायल में अपील में रिविजन में या फिर इनमें से कहीं भी तो सेक्शन ट्वेंटी वन को हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है दैट ऑब्जेक्शन एड जोरिडिक्शन मस्ट भी रेज एट द्लेस ऑफ फर्स्ट इंस्टांस तो यहाँ पर क्या होगा ट्रायल के फेज पर ही रेज करना चाहिए

सो द करेक्ट आंसर विल बी कैन बी विद्रॉन ओनली विदीव ऑफ द कोर्ट जो सूट फाइल किया गया है माइनर के बिहाफ पे वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के परमिशन द्वारा ही विदड्रॉ किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जजमेंट डेट हैज बीन अरेस्टेड मे नॉट रिलीज अमॉन्ग द्राउंड जजमेंट डेट जिसे अरेस्ट किया गया है वो इनमें से कौन से ग्राउंड पे रिलीज नहीं किया जा सकता है सो सफरिंग फ्राम एनी सीरियस इल्नेस सफरिंग फ्राम एनी इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज इज़ नॉट इन अ फिथ स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन या फिर नन ऑफ द्व तो ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है मे नॉट रिलीज अमॉंग द फॉलोइंग ग्राउंड किस ग्राउंड पर नहीं रिलीज़ किया जा सकता है सो सफरिंग फ्राम एनी सीरियस इल्नेस पर रिलीज किया जा सकता है अगर सफरिंग फ्राम एनी इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजें तब भी रिलीज किया जा सकता है एंड इफ इज नॉट इन फिट स्टेट ऑफ हेल्थ तो भी उसे क्या है रिलीज किया जा सकता है सो द करेक्ट आंसर विल बी नी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ दीपीसी प्रोहिबिट अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन दी एग्जीक्यूशन डिग्री ऑफ मनी एग्जीक्यूशन और डिग्री ऑफ मनी में वुमेन की अरेस्ट या डिटेंशन को प्रोहिबिट किस सेक्शन में किया गया है तो ये सेक्शन फिफ्टी सिक्स ऑप्शन बी सेक्शन फिफ्टी सिक्स इज द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ एनी इंजंक्शन शाल नॉट एक्सीड सिविल इम्प्रिजमेंट का पीरियड जो है वो इन द केस ऑफ डिसोबीडियंस या फिर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन के केस में मैक्सिमम कितना रहेगा तो वो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी थ्री मंथ्स ये सेक्शन फिफ्टी एट ऑफ सीपीसी में बताया गया है पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या होगा थ्री मंथ्स होगा सो आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं थैंक यू